साथियों नमस्कार, नमो बुद्धाय। इस वक्त हम कुशीनगर में हैं। यहाँ पर देखिए कुछ कार्य हो रहा है, ये बहुत सुंदर कार्य। यहाँ पर देखिए बैठने के लिए जगह जगह बेंच लगाई जा रही है, लोग बाहर से आए उसके बीच में एक एक दुकानें भी लगाई जाएंगी। और ये बुद्धा सरोवर है, तालाब, इस तालाब को बुद्धा सरोवर कहते हैं। और ये जो है आपका अग्र महापंडित भदन ज्ञानेश्वर जी के द्वारा तालाब में भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है। देखिए ये कितना सुंदर, सामने छतरी स्तूपा है। और ये अभी हम उस तरफ जाएंगे, वहाँ पर आपको दिखाएंगे ड्रैगन बनाया जा रहा है, जो ड्रैगन दोनों तरफ से रहेगा। अभी एक तरफ का काम चल रहा है, तो अभी उस तरफ भी जा करके हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर ये काम देखिए हो रहा है, ये लेबर मिस्त्री लगे हैं, इस काम को कर रहे हैं। और ये अग्र महापंडित भदन ज्ञानेश्वर महाथेरो जी यहाँ पर बैठे हैं, इनके देखरेख में हो रहा है। बीच में बीमार चल रहे थे और ठीक होने के बाद में कुछ डोनेशन आया था लोगों द्वारा इलाज के लिए, उसी डोनेशन के पैसे से ये कार्य किया जा रहा है। और हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त हम ले चल रहे हैं आगे वहाँ पर उस तरफ जहाँ पर ये आपका ड्रैगन बनाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए बाहर से आने वाले यहाँ पर पर्यटक लोग भी हैं। और ये आप देखिए, ये आप देखिएगा यहाँ पर इस तालाब को बुद्धा सरोवर कहते हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध की बहुत सुंदर प्रतिमा स्थापित किया गया है। ये आप देखने में खूब अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर एक ड्रैगन, ये देखिए ड्रैगन, इस ड्रैगन को बहुत लंबा है, कितने फीट में है एक देखना पड़ेगा, पूछना भी पड़ेगा। ये बनाया जा रहा है, हम यहाँ पर देखिए भिक्खु लोग भी हैं साथ में यहाँ पर। ये ड्रैगन आपको अभी देखने में नहीं अच्छा लग रहा है, ये बनने के बाद में खूबसूरत लगेगा। ये देखिए कैसे ये पंथी जी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये गेट है, बुद्धा सरोवर लिखा हुआ है, अग्र महापंडित भदन ज्ञानेश्वर महाथेरो जी के द्वारा यह बनाया गया था। ये काम आपका चल रहा है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर भी दुकानें लगे हैं, ये छोटे छोटे बच्चों खेलने के लिए भी लगाया गया है, डोनेट किया गया, बर्मी भाषा में लिखा गया है यहाँ पर। हम चल रहे हैं बुद्धा सरोवर को देखने, यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा जहाँ स्थापित है। यहाँ लिखा गया कुशीनगर एक धार्मिक क्षेत्र है, इसे स्वच्छ बनाए रखें, आदेशानुसार कुशीनगर भिक्खु संघ। ये आप देख सकते हैं, नगर में घूमने आया है ये देखिए।
जिस तरह ये ड्रैगन इधर बनाया जा रहा है उसी तरह बनाया जाएगा। ये देखिए फाउंडेशन बनाया गया है, वो पहले बना करके पूरा किया जाएगा, उसके बाद इधर काम चलेगा। यहाँ पर ईंटा भी रखा हुआ है और ईंटे की नहीं आवश्यकता है ज़्यादा, लेकिन और भी जो भी है ये फाउंडेशन बना दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। और भी ये इस जगह पर इतनी खूबसूरत नज़र आएगी जिस दिन ये ड्रैगन बन के कम्प्लीट होगा, मैं आपको बता रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख, ये गेट है, बर्मी बौद्ध विहार का दूसरा गेट है ये। यहाँ पर चंदमणि निःशुल्क पाठशाला यहाँ लिखा गया है, बीड़ा भवन करके, ये बंद है थोड़ा, किस कारण से बंद है लिखा गया है यहाँ पर। बीड़ा भवन को श्री चंदमणि निःशुल्क पाठशाला ये लिखा गया, श्री चंदमणि फ्री स्कूल कुशीनगर 1942 सन भी लिखा गया है। और अंदर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर श्री यू चंदमणि महाथेरो 1919-1972, बी ज्ञानेश्वर महाथेरो 1972 आगे लिखा गया है। यहाँ इंग्लिश में है और इधर हिंदी में लिखा गया है। एक पाठशाला शुरू किया गया था, इसमें बंद है, पता नहीं, हम बता नहीं सकते हैं। ये जगह मैं पहली बार आया हूँ यहाँ, ये थम सेवा दे रहे हैं लगातार यहाँ पर। यहाँ कुछ जरूरी पुलिस का दिशा निर्देश लिखा गया है, कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न रोकथाम निजी निवारण अधिनियम 2013 परिवाद की जांच धारा 12 के अनुसार जांच लंबित रहने के दौरान कार्रवाई, तो जरूरी चीज़ें लिखी गई है उत्तर प्रदेश पुलिस कुशीनगर द्वारा। ये छत्री स्तूपा, Thank you.